फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल, गुड मॉर्निंग। और आज का दिन ना मैंने पूरे एनर्जी के साथ जो है वो शुरू कर दिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या किया है। अभी स्वप्निल नहीं है, स्वप्निल अपने साइट पे गया है क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो वहाँ पे गए हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे सारी तैयारियाँ जो है वो करके रख दी हैं। मैं दिखाती हूँ, मैंने ये जो फिश है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, कालांदूर बोलते हैं गोवा में, इसको मैंने कट कर अच्छे से क्लीन किया है, वॉश किया है, कट किया है और ऐसे पीसेस करके इसको नमक लगा के मैंने रख दिया है। इसका मैं बनाऊँगी करी। और ये जो कालांदूर है इसको मैंने अच्छे से क्लीन किया है, वॉश किया है, इसको मैंने ढेर सारा नमक ना लगा के यहाँ पर रख दिया है और इसको मैं करूँगी फ्राई। इसको वॉश करूँगी पहले और फिर इसको मसाला लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने कोकोनट को, ग्रेटेड कोकोनट जो है ना वो निकाल के बाहर रख दिया है ये फ़िश करी बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने गोभी को कट करके रख दिया है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ गोभी की सब्ज़ी। और यहाँ पे जो है वो पानी बॉयल हो रहा है क्योंकि मुझे लेनी है स्टीम, तो मैं स्टीम लेके आपसे फिर से मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल, इसमें मैं डालूँगी थोड़े से सरसों, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हींग, सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। और अब इसमें हम डालेंगे ये कैबेज, इसको मिलाना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है यहाँ पे और इसको ढक के बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। गोभी की सब्जी के लिए यहाँ पे मैं कट करके रख दूँगी, अरे मैं ये भूल गई इसको अंदर डालने के लिए। गोभी के सब्ज़ी के लिए यहाँ पे मैं कट करके लूँगी कुछ धनिया पत्ता, अच्छे से वॉश करके। अभी कैबेज की जो सब्ज़ी है ना उसको मैंने ऑलरेडी रख दिया है बनने के लिए। और अभी मैं बनाऊंगी कोकम की कड़ी, और कोकम की कड़ी बनने के बाद उसके मैं बाद बनाऊंगी फ़िश करी। और यहाँ पे मैंने लिया है ये बर्तन, इसमें मैं डालूंगी कोकम, लगभग 6 कोकम डालूंगी, थोड़ा सा हींग डालूंगी, यहाँ पे मैंने लिए हरी मिर्च, यहाँ पे हरी मिर्च है, इसको इसे रोस्ट करके लेना है गैस पे, तो ऐसे इसको रोस्ट करके लिया। मैंने लिया ये जार ग्राइंडिंग, इसमें डालनी है थोड़ा सा मैं कोकोनट डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा। ये जो हरी मिर्च है इसको इस ब्रेड के साथ डालना है, जो हमने कोकम और हींग लिया है ना इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, फिर इसमें डालना है इसमें थोड़ा सा नमक। अब ये जो हमने ग्रेटेड कोकोनट और हरी मिर्च लिया है इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। ये कोकम की कड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है, इसको रख देते हैं साइड में। थोड़ा सा कोकोनट डाला इसमें, अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा साबुत धनिया, 4-5 काली मिर्च, आधा प्याज, थोड़ी सी इमली, गरम पानी, तो यहाँ पे ये मैंने ग्राइंड करके लिया है एक फाइन पेस्ट में, इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं सब्जी का क्या हुआ है। तो इसको भी हम निकाल लेंगे, एक बार एक कटा हुआ धनिया पत्ता, इसको एक बार मिक्स करेंगे।
सब्जी जो है ना वो रेडी हो चुकी है, इसको निकालते हैं गैस से। इसमें डालना है थोड़ा सा तेल, मैं कोकोनट तेल का यूज़ कर रही हूँ, और इसमें डालना है ये बारीक कटा हुआ प्याज, इसको अच्छे से फ्राई करना है। अब जबकि ये डार्क ब्राउन हो चुका है अच्छे से, इसमें मैं डालूंगी ये कोकोनट और थोड़ा सा पानी। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। हाँ, ये थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी में ही होना चाहिए, ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में नहीं बनाते फिश करी को हम गोवा में। इसमें डालना है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मैं डालूँगी क्योंकि फिश में भी मैंने नमक लगाया हुआ है। और इसमें आना है एक उबाल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उबाल जो है वो आने लगा है, तो इसमें मैं डालूंगी ये फिश और अब इसको अच्छे से फिर से उबाल आना है। कुछ देर के लिए इसको सिमर होने के लिए गैस पे हम रख देंगे। इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है, ये फिश जो है ना वो कुक हो चुका है देखो, और फिश करी परफेक्टली रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं इस गैस को, क्योंकि देखो ऑयल भी ऊपर आ गया है, मसाले भी पक चुके हैं और ये फिश करी जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको कवर करने से पहले इसको गैस से उतार देते हैं। मेरा खाना जो है ना वो लगभग बन चुका है, फिश करी जो है यहाँ पे रेडी हो चुकी है। इसको मैंने अभी तक ढका नहीं है क्योंकि ढकने से ना थोड़ा सा वो कुक होते रहता है जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ा सा स्टीम जाने के बाद इसको मैं ढकूंगी। यहाँ पे मैंने प्लेट पर निकाल के रख दिया है और कोकम कड़ी जो है ना वो भी रेडी हो चुकी है और सब्ज़ी भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं मसाला रेडी कर दिया हूँ फिश को फ्राई करने के लिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब ये जो फिश है ना जिसको मैंने नमक लगा के रखा है, इसको वॉश करना है और अभी इस फिश में मैं लगाऊंगी ये सारा मसाला। मेरा खाना जो है ना वो रेडी हो चुका है, सब्ज़ी, फ़िश करी, कोकम करी, और मैंने फ़िश को भी मैरिनेट किया है। अब मैं फ़िश तभी फ्राई करूँगी जब स्वप्निल आएंगे। अब मैं सिर्फ राइस के लिए रख देती हूँ और रोशर के लिए एक एग बॉईल कर देती हूँ। सो यहाँ पे बन रहा है राइस और रोशर के लिए एग बॉईल हो रहा है। अब मैं खाऊँगी एक केला, ये हमारे गोवा के जो है ना स्पेशल केले होते हैं और इनकी जो स्किन होती है ना वो काफ़ी थिक होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इनकी स्किन काफ़ी थिक होती है और बहुत ज़्यादा स्वीट और यम्मी केले होते हैं ये। और कल स्वप्निल ने ना ये मैंगोज लाए हैं और स्वप्निल को बताया है उसने कि ये गोवन अल्फोंसो है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं, बहुत खट्टे हैं। उसने बताया था कि पक चुके हैं लेकिन बहुत खट्टे हैं ये। अब मैं आ गई हूँ फिश को फ्राई करने के लिए क्योंकि स्वप्निल भी आ चुके हैं और अभी हम करेंगे हमारा लंच, तो चलो फिश को फ्राई करते हैं।
और ये देखो मेरा ये स्पैटुला है ना, बहुत अच्छा है। जो हैंडल को बाय मिस्टेक मैंने गैस पे रख दिया और ये बर्न हो गया। अभी देखना है अगर मुझे ये रिपेयर करके मिल सकता है, ये हैंडल पूरा चेंज करके मिल सकता है, बट आई डोंट वांट टू थ्रो दिस आउट। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कुकिंग करी में देखो कैसे कलर आ गया है, देखो बहुत यम्मी लगती है ये। ये देखो स्वप्निल ने क्या लाया है, ये है गोवन बेरीज, इसको करवंदा बोलते हैं। ऐसे कोन में देखने क्यूट दिखते हैं ना, ये कोन में देखो कैसा बनाया गया है, ये कोन बहुत अच्छा। चलो इसको वॉश करके खाते हैं, चलो इसको एंजॉय करते हैं।